हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम मुद्दों पर मोहर लगाई है। 36 एजेंडों पर चर्चा हुई, 3 एजेंडे डेफर किए गए। विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन, श्यामलाल भूमि को गोचर के लिए दिया जा सकेगा, गौशाला के लिए ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल को जमीन दी जाएगी, 5100 रुपए प्रति एकड़ पर 20 साल के लिए जमीन मिलेगी, सोनीपत में SMTA बनाने को मंजूरी मिली, विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन किया गया, क्वालिटी अश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई, गौशाला के लिए ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल को जमीन दी जाएगी, 5100 रुपए प्रति एकड़ पर 20 साल के लिए जमीन मिलेगी, सोनीपत में SMTA बनाने को मंजूरी दी गई है, क्वालिटी अश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई है, सरल पद्धति बनाने को मंजूरी मिली। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी, ये उसकी कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। क्या फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की इस मीटिंग में, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर मोहर लगी है, 36 एजेंडा थे जिन पर चर्चा हुई है, 3 को डेफर किया गया है।